स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ठारे पश्चिमांचल कुलपति सम्मेलन में जोगदे केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जातीय शिक्षा नीति भारत उज्ज्वल भविष्य गढ़ निर्णायक भूमिका ग्रहण करमंत्री कार्यक्रम में उपस्थित थे गुजरात मुख्यमंत्री भूपेन्दर पटेल और गुजरात शिक्षामंत्री केन्द्रमंत्री कहते भारतीय भाषा भारतीय ज्ञान परंपरा दक्षता और रोजगार और उद्यमिता शिक्षा जातीय शिक्षा नीतिर प्राथमिकता आम विश्वविद्यालय हूँ आम समाज मंदिर पश्चिमांचल उच्च शिक्षा अनुष्ठान गुड़िक आम देशर कल्याण नूतन मॉडल एवं आभिमुख्य आणवे एही जोनल सम्मेलनी जातीय शिक्षा नीतिर कार्यकारिता माध्यम एक नूतन संस्कृति एवं बहुमुखी शिक्षा मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एक्जिट सह समस्त सामान सुजोग विकास पर मार्ग प्रशस्त कर तृणमूल स्तर में जातीय शिक्षा नीति कार्यकारिता को त्वरान्वित करने प्रथम जोनाल स्तरीय सम्मेलनी आयोजन कर गुजरात सरकार को प्रशंसा कर धर्मेन्द्र प्रधान कार्यक्रम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिदर्शन करते केन्द्रमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गौरव एकता शांति और कृतज्ञतार प्रतीक लौह मानव सरदार वल्लभ भाई पटेल का भव्य स्मारक निर्माण करी प्रधानमंत्री यह महापुरुष को राष्ट्र तरफ श्रद्धांजलि देथिबा से कहिछन्ति मैं इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र में आके खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं मानता हूँ 21वीं सदी के नया भारत में जो कुछ बड़े बड़े उपलब्धि हुई है सबसे बड़ा उपलब्धि सबसे बड़ा स्मारक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी के प्रेरणा के स्रोत सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस स्मारक को बना के एक कृतज्ञ देश की ओर से राष्ट्र की ओर से उनको श्रद्धांजलि दिया है। मैं जिस जगह से आता हूँ वो संयोग से एक प्रिंसली स्टेट था एक राजवाड़े था। आज सरदार जी के दूरदृष्टि के कारण मेरे जन्मभूमि भी भारत की अभिन्न हिस्सा बन पाया है। मैं इसीलिए व्यक्तिगत रूप में मेरे मातृभूमि की मेरे गांव वालों की ओर से मैं सरदार जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश को एक अनोखा स्मृति दिया है। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।